Hello everyone. In this question, we have a convex quadrilateral and it is divided by its diagonal in four parts and the areas of three parts are 2, 1 and 3 shown in figure. What is the area of the fourth region denoted by x? So means हमारे पास में convex quadrilateral के हमने diagonals को join किया. In diagonals से हमारे पास में total area four part में divide हो गया. थ्री पार्ट्स का एरिया हमारे पास में गिवन है, फोर्थ पार्ट का कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन वॉच फॉर सॉल्यूशन. ओके, तो रेदर देन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वी विल सॉल्व अ मोर जनरलाइज्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे हमारे पास में सेम एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, उसमें हमने दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, बी डी एंड AC. हमने बोला कि एरियाज जो हैं ये हैं S1, S2, S3 और S4. नाउ वी विल ट्राई टू डिटरमाइन सम रिलेशन बिटवीन S2, S3, S4 के बीच में. कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो एरिया लिखने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं A से, है ना, पॉइंट A से जो लेंथ BD है इसके ऊपर ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ. सिमिलरली C से भी BD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है A से BD पे, तो इसकी कुछ लेंथ भी होगी. तो लेट से इस लेंथ को मैं बोलता हूँ इक्वल टू H1. सिमिलरली इस लेंथ को मैं बोलता हूँ इक्वल टू H2. तो जो C से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो H2 के इक्वल है और A से जो किया है वो H1 के इक्वल है. नाउ स्टोरी आती है कि S1, S2, S3 और S4 होंगे क्या. तो अगर मैं S1 का एरिया देखूं, सी S1 का एरिया लिखना मेरे लिए इजी है. किसका एरिया है वो, ए बी और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट्स से इसको मैं ई बोल देता हूं यहाँ पे. तो ट्राइंगल ए बी ई का जो एरिया है वो S1 के इक्वल है. ठीक है, अब मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बी ई क्या हो जाएगा, बेस की तरह, तो आ जाएगा 1/2. तो ऐसे जाएगा 1/2, बेस क्या है यहाँ पे, इनटू में बी ई, और हाइट क्या है इसके लिए, H1. सिमिलरली अगर मैं सेकेंड पार्ट का एरिया देखूं तो उस केस में हमें पता है बी ई सी, अगर इसमें मैं बी ई को बेस लूं तो सी से हमने इसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हाइट है H2, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, H2, और बेस हो जाएगा बी ई, तो जाएगा 1/2 इंटू बी ई इंटू H2. सिमिलरली अगर मैं S3 के लिए बात करूं तो क्या होगा, उस केस में मेरे पास में बेस क्या हो जाएगा, डी ई के इक्वल और हाइट हो जाएगी H2 के इक्वल, तो जाएगा 1/2 इंटू डी ई इंटू H2. और अगर हम बात यहीं S4 के लिए करें अब, तो S4 में क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगी डी ई के इक्वल, लेकिन अब की बात हाइट हो जाएगी H1 के इक्वल, तो जाएगा 1/2 इंटू डी ई इंटू H1. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अब रिलेशन कैसे निकालूं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं पेयरिंग करता हूँ S1 और S3 की, यहाँ पेयरिंग करता हूँ, और S2 और S4 की. ध्यान से देखिए, अगर मैं S1 और S3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से आएगा 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 बी ई डी ई H1 H2. सिमिलरली अगर मैं H2 और S4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 बी ई इंटू डी ई इंटू H2 इंटू H1. सेम वैल्यू आ रही है हमारे पास में दोनों केस में. तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि कुछ भी हो वैल्यू यहाँ पे, ये एक रिलेशन तो ऑलवेज ट्रू है, क्या कि S1 इंटू S3 इज इक्वल टू S2 इंटू S4. मीन्स अगर आप समझेंगे यहाँ पे, तो जो ओपोजिट वाले जो एरियाज हैं इनका प्रोडक्ट क्या है, इक्वल हो जा रहा है. तो S1 S3 इज इक्वल टू S2 S4. अब हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आते हैं. तो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, अब तो वो काफी सिंपल हो गई है. ये एरिया 3 पता है, ये 2 पता है, ये 1 है, ये x है, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू x. तो x क्या हो जाएगा मेरे पास में, x हो जाएगा इक्वल टू 6. तो x की वैल्यू बतानी थी, क्या गई हमारे पास में, इक्वल टू 6. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम.